हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक ब्लॉग शूट करते हैं आप लोगों के लिए। काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी। वीडियो बनाते बनाते मुझे बहुत टाइम लग जाता है। रात को 2 बजे मैंने बनाना शुरू किया था, सुबह का 5:30 बज गया है। ठीक है, इस टाइम बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं सुबह करूँगी। फिलहाल लड्डू खाते हैं। ये लड्डू मैंने अपने लिए घर पे बनाया था और ये बहुत ज़्यादा ताकत से भरपूर लड्डू होता है, तो ये मैं खा रही हूँ। ठीक है, तो अभी चलते हैं नीचे, देन आपको दिखाती हूँ मैं रात में क्या क्या करती हूँ। सो गाइस, अभी मैं नीचे आ चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड मुझे दे रहे हैं दवा, क्योंकि बिना दवा दिए हैं मुझे सोते नहीं है। मैंने कहा था वेट करो, अभी दवा, यू नो, अभी दवा दीजिएगा। ये बिना दवा दिए मुझे सो नहीं रहे हैं। मुझे लगा था कि आज दवा नहीं मिलेगी मुझे, लेकिन दवा मिली। लेकिन आज दवा जो है, सुबह का 5 बजे रहा है। हाँ, तो सुबह का 5 बजे रहा है, तो जो हो रहा है वो तो दिखाएंगे ना। ये देखो पोलियो ड्रॉप, ये पोलियो ड्रॉप मैं पीती हूँ। काट के दीजिए। ये पोलियो ड्रॉप पीना पड़ रहा है, जब से मेरी तबीयत खराब हुई तब से मुझे पोलियो ड्रॉप मिल रहा है, ताकि मुझे कुछ कोई और बीमारी ना हो जाए। और ये नहायत ही बदतमीज दवा है, मेरा मूड खराब कर देती है ये पी के। ये किस चीज के लिए बता दीजिए, किस चीज के लिए? मानसिक दौरे पड़ते हैं इसके लिए। बहुत ही बेहोदी दवा है ये। दवा में कोई 2 दिन गई नहीं डॉक्टर के, कल डॉक्टर, अब आज डॉक्टर के यहाँ जाना, आज भी नहीं जा पाओगी, इसलिए देना जरूरी है। आज क्यों नहीं जा पाएंगे? शमा के साथ जाना। कुछ खाया तुमने? लड्डू खाया था। बिस्कुट फिर खा कर थोड़ा सा। लड्डू, एक लड्डू ना 10-20 किलो पे भारी है। चलो ठीक है। अब कौन सी दवा बाकी है? नहीं, हम नहीं खाएंगे। नहीं, नाटक नहीं करो, हम वाकई नहीं खाएंगे। हमारा नहीं दिल जा रहा है कि हम दवा खाएं। सो गाइस, अभी मेरा मेकअप रिमूव हो चुका है और जैसा कि नमाज का टाइम है, तो मैं नमाज पढ़ के उसके बाद स्लीपिंग करूंगी। यस, गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैं उठ गई हूँ और मैंने अपना टॉप चेंज कर लिया। अभी मैंने जंपर पहन लिया, मतलब कुर्ता पहन लिया है, क्योंकि काजी ने उस पर थोड़ा सा गंदगी कर दी थी उठते साथ ही। उसका डायपर चेंज करी थी, उसने मुझ पर सुसु कर दिया। ओके, तो अभी मैंने ब्रश नहीं किया है और कुछ भी नहीं किया है, बस उठी हूँ, काजी को दूध पिला रही थी, उसके बाद आप लोगों से मिल ली। ठीक है, तो अभी आज मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे अपने ये रूखे सूखे बालों को सही करना है। तो रूखे सूखे बालों को सही करने के लिए मैं कोई केमिकल प्रोडक्ट नहीं यूज़ करूँगी, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल। बहुत गर्मी होने लगी यार, बहुत गर्मी हो रही है और बाल देखिए, बालों की क्या हालत हो गई है। सो गाइस, कुछ खास नहीं करती हूँ, बस एक एग लेती हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालूँगी, 2 चम्मच, जो चाय वाला चम्मच होता है उससे, और इसमें जो है थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल दिया। उसके बाद अब इसको अच्छे से फैट लिया, मतलब मिक्स कर लिया, उसके बाद सेक्शन बाय सेक्शन करके आपको ऐसे लगा लेना है। और इसे मैं बहुत हफ्ते में 2 बार लगाती हूँ, मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अभी मेरा लग चुका है गाइस, अभी मेरा लग चुका है हेयर मास्क, DIY हेयर मास्क, और मैं इसे लगभग 2 घंटे रखूँगी। खाना बनाने के बाद पहले गाजी को खाना खिलाना पड़ेगा। तो रोटी तो काम वाली बना देती है, बाकी काम रोटी चावल बना देती है, बाकी मुझे क्या बनाना है वो मैं देखती हूँ। दाल बनानी होगी तो दाल बनाऊँगी, नहीं तो फिर देखते हैं क्या बनना है। गाइस, तो मेरा खाना बन गया है, ऑलमोस्ट बन गया है। इसमें कुकर में चावल है और मैं सब्ज़ी दिखा दूँ, सब्ज़ी मैंने बना लिया है, आलू मेथी की सब्ज़ी बन रही है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है आलू मेथी की सब्ज़ी। और यहाँ पर मैंने दाल बना ली है, ये अरहर माश की दाल है और इसमें जाता है ये भुना हुआ ज़ीरा, लेकिन मैं ज़ीरा नहीं डालूँगी, वो बाद में डालूँगी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को ज़ीरा वाला नहीं पसंद है, सिर्फ सादा पसंद है।
मेरा भी ये आप देख सकते हो टाइट टाइट सा एकदम हो गया है, तो अभी ये भी कंप्लीट हो चुका है, तो इसको मैं थोड़ी देर और लगा रहने दूंगी जब तक खाना नहीं कंप्लीट हो जाएगा, फिर नहाऊंगी। गाइस अभी मैं छत पे आई हुई हूँ, गाजी को फेंकना था कंकड़ पत्थर जो यहाँ रखा रहता है। नो नो गाजी नो, फेंको काइट, फेंको काइट। तो अभी गाजी को यहाँ पे ही मैं खाना खिला दूंगी क्योंकि ये खाना खाने में बहुत नौटंकी करता है। बेटा फेंको रॉक, डैडी रॉक इतना छोटा सा है, फेंको फेंको फेंको, इट्स सो हैवी रॉक, यस स्पेसशिप, हाँ स्पेसशिप जैसा तो था। सो गाइस गाजी को खाना खिलाने के बाद नहा लिया, नहाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, और कहाँ जा रहे हैं ये भी नहीं पता, आपको पता चल जाएगा। गाजी टिकट नहीं लोगे? टिकट लो, टिकट लो, टिकट प्लीज, क्या बोलो, टू टिकट बोलो, टू टिकट प्लीज, टीटी टीटी नहीं। अब जितने कपल्स यहाँ पे हैं सबकी नाक में दम होने वाला है, गार्ड और सब फेल हो जाएंगे अब। शाबाश, आज सबका मूड खराब कर दो तुम, जाओ चलो। तुम्हारा फोड़ा है, ध्यान रखना। कितना दिन हो गया था झूले में यार। ये झूला याद है यहाँ से तुम गिरी थी? चल मैं खींच रहा हूँ, चल। देख लो तो दिक्कत तो नहीं हो रही फोड़े में, इसमें प्लेट नहीं लगी है ना। गुड बॉय, स्लाइड कर दी, स्लाइड। अरे अरे इतना डर गया, अरे अरे डर्टी, चलो फिर से चलो। इसको सिखा दो ताकि दीवार पे चढ़ जाए कल घर की, ये सब सिखा दो उसको। गुड बॉय, गिव मी व्हाट, लो 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 लो, स्मॉल पीस लो गाजी, लो दो। जंप नहीं करोगे बेटा? कहाँ जंप करोगे? वो आदमी वाले भैया हैं।
तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने खूब इंजॉय किया, मैंने खूब झूला झूला और गाजी भी खूब मस्ती किए। तो ऐसा कोई प्लान नहीं था हम लोग का कि हम लोग यहाँ पे आएंगे ही आएंगे, बट ऐसे ही चल रहे थे तो लोहिया पार्क आ गए। अभी मैंने बहुत झूला झूला और बहुत मज़ा आया, लेकिन अब यहाँ रात हो गया है, यहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं तो गाजी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब कि मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, करो तो बाय, ये इधर इधर कैमरे में कर दो, बाय बाय गाइस, बाय बाय गाइस। तो अभी हम गाजी को लेके जा रहे हैं, मेरा बच्चा बहुत पैदल चल लिया, तो अभी इसको हमने गोद, अच्छा पप्पी दे दो मम्मी को, पप्पी नहीं दोगे, पप्पी नहीं देगी मम्मी को। यहाँ से वहाँ का रास्ता बहुत दूर है, इनको लेके चलना है क्योंकि बहुत ज़्यादा पैदल चल लिया था ये। है गाजी,